तुम क्या समझ रहे थे मैं तुम लोगों से डर के भाग रही थी? नहीं, मैं नहीं चाहती थी कि तुम में से कोई भी मेरी मर्जी के बिना जिंदा बचे, इसलिए मैंने तुम सबको भगाकर यहां लाकर अंदर बंद कर दिया है। अब तुम लोग यहां से नहीं जाओगे, तुम्हारी लाशें जाएंगी। रुक जाओ वरना गोली मार दूंगी। मुझे मारने के लिए कितने पैसे मिले थे? कुछ नहीं। बोल। 5 लाख। किसने भेजा तुम्हें? होम मिनिस्टर बीपीएल ने। सीएम मर्डर के वक्त ड्यूटी पर पुलिस ऑफिसर कौन था? मैडम, उन्हीं के पार्टनर मिस्टर एसपी वाघमारे। पार्टनर? मैडम, डिपार्टमेंट के सभी करप्ट ऑफिसर्स को होम मिनिस्टर साहब अपने धंधे में पार्टनर बना लेते हैं। वो सब तो ठीक है मैडम, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, होम मिनिस्टर से उलझने से पहले आप 10 बार सोच लीजिए। मेरी चिंता छोड़ दीजिए, आप लोग ईमानदारी और वफादारी से मेरा साथ दीजिए, कामयाबी हम हासिल करके रहेंगे। जी आप? मैं सीबीआई ऑफिसर नीतू सिंह दिल्ली से। मैं जरा साहब से बात कर लेता हूँ। सर, वो एक सीबीआई ऑफिसर दिल्ली से आई है, आपसे मिलना चाहती है। सर, तो क्या हम उनसे डरते हैं? ऊपर भेजा उसको। यस सर। क्या हुआ साईं? सीबीआई की अफसर आई है सीएम के मर्डर के इन्वेस्टिगेशन के लिए। क्या करेगी? कुछ नहीं, आपको पकड़ लेगी। वेलकम मैडम। मैडम नमस्कार, आप आई हैं सीएम साहब के मर्डर केस के इन्वेस्टिगेशन के। मैडम, सीएम साहब बहुत ही नेक, बहुत ही पूजनीय इंसान थे, और सबसे बड़ी बात हमको बहुत करीब थे। उनके जाने से हम टूट गया हूँ मैडम। देखिए, आपका ये भाषण हम टीवी पर देख चुके हैं और सुन चुके हैं। आप ये बताइए कि इस केस में आप हमारी कहां तक मदद कर सकते हैं? मदद? मैडम, हम अपना जान दे सकता हूँ सत्यप्रकाश जी के कातिलों को पकड़ने के लिए, जमीन और आसमान हम एक कर सकता हूँ। लेकिन मैडम, हम जानना चाहता हूँ कि आप आने का तकलीफ काहे की है? अरे आप तो जानती हैं, हमारे स्टेट का पुलिस फोर्स पूरी इंडिया में वर्ल्ड फेमस है। हाँ, लेकिन जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो क्या करें? माफ कीजिएगा, हम आपका जुमला कुछ समझा नहीं। हम समझा देंगे। वो कहने की ईश्वर की असीम कृपा से जो काम हम अपने हाथों में लेते हैं उसमें कामयाबी हासिल कर ही लेते हैं। सच, आप देखिए, 90 दिनों में आपके दोस्त सीएम के कातिल को हम आपके पास ले आएंगे। अरे वाह 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 वाह। आपका कॉन्फिडेंस देख के लगता है कि कातिल आप ही की जेब में है। जेब में ना सही, लेकिन बहुत करीब है। मेरा मतलब है कि अब आपका साथ हो ही गया है तो कातिल हमसे बचकर कहाँ जाएगा? हाँ जी, कहाँ जाएगा। चलो। हाँ जी, हाँ जी। नमस्कार मैडम, कुछ चाय पानी कुछ? अब चाय कहाँ, मैडम तो आपका बीन बजा के चली गई। माँ, नीतू तू आ गई? वो लोग कौन थे माँ? ये तुम्हारे डिपार्टमेंट के लोग थे, मेरे मना करने के बावजूद ये पार्सल रख गए। मेरे डिपार्टमेंट के लोग? हाँ बेटी। हेलो, होम मिनिस्टर भवानी प्रसाद लल्ला बीपीएल बोल रहा। ओ, भवानी प्रसाद उर्फ ऑनरेबल होम मिनिस्टर, हमारे घर पहुंचने से पहले ही आपका तोहफा हम तक पहुंच गया।
ये तो हमारा स्टाइल है मैडम। वो कहा है कि आपका जो अंदाजे बयां है वो बीपीएल को बहुत पसंद आया, हम बहुत खुश हुए, इसलिए आपके लिए प्रसाद का एक छोटा सा तोहफा भेज दिए। जरा नवाजी का शुक्रिया, इतने ही मेहरबान है तो एक और मेहरबानी हम पर कीजिए और अपने आप को हमारे हवाले कर दीजिए। क्या मतलब? मतलब समझाने की हमें जरूरत नहीं है, दोबारा भूल से भी ऐसी गलती मत करना, वरना हमें भी आपके लिए एक तोहफा भेजना पड़ेगा जिसमें आपके खूबसूरत हाथों के लिए हथकड़ी होगी। और हाँ, अपनी कलाई का माप जरूर भेजना, आगे हम समझ लेंगे। फोन रखते हैं हम। आइए मची, संभल के। फातिमा बहन, फातिमा बहन। शांति बहन, तुम कब आई? हमें खबर कर ली थी तो हम तुम्हें स्टेशन लेने आ जाते ना। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि खबर करने को वक्त ही नहीं मिला। आइए ये बैठिए ना, संभल कर आराम से। ऑफिस के किसी काम से नीतू को यहाँ आना पड़ा, इसीलिए आ गए। अच्छा अच्छा, कैसी है नीतू बिटिया? बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी सीबीआई ऑफिसर बन गई है। अल्लाह बड़ा है, तुम जैसी माँ की बिटिया को तो बड़ी अफसर ही बनना था। और आप बताओ, रसिया कैसी है? अच्छी है, कॉलेज गई है। अच्छा, और बेटा हमारा कैसा है? क्या हुआ बहन, आप खामोश क्यों हो गए? बताइए ना, हमारा हुसैन कैसा है, कहाँ है वो? ना किए हुए गुनाह की सजा काट रहा है मेरा बेटा। जमाना ही बदल गया है बहन, चारों तरफ खून खराबा, लूट मार, ईमानदारी और वफादारी का तो नाम ही नहीं रहा। पर तुम फिक्र ना करो बहन, मेरी नीतू बहुत बड़ी अफसर है, मैं उसे कहकर हमारे हुसैन को छुड़वा लेंगे। और कितने एहसान करो कि तुम मुझ पर। दोस्ती और भाईचारे के बीच में एहसान की बात करके मुझे अपनी नजरों से मत गिराओ, तुम तो मेरी बचपन की सहेली हो बहन। तुम्हारी कुर्बानी भाईचारे की मिसाल है, काश की बात इस देश के हर हिंदू और मुसलमान की समझ में आ जाए। वो दिन भी जरूर आएगा, खुदा करे ऐसा ही हो। जरूर होगा। कहिए। मैं नीतू सिंह हूँ, दिल्ली से आई हूँ। मेरी माँ और आपकी माँ बहुत अच्छी सहेलियाँ हैं। आप शांति मौसी की बेटी हैं? जी हाँ। अम्मी जान अक्सर आप लोगों का जिक्र किया करती हैं। हमारे घर में भी अक्सर आप लोगों का जिक्र होता है, बहुत तारीफ करती है मेरी माँ आप लोगों की। जानते हैं जब माँ बम्बई आई तो सबसे पहले अम्मी जान से मिलने गई आपकी, और माँ को बहुत अफसोस हुआ आपके बारे में सुनकर। मैं आपके दुख में शरीक होना चाहती हूँ, कुछ बताएंगे आप? बताने को रही क्या गया है, जितनी सजा थी कट गई, अब तो रिहाई का वक्त है। भवानी प्रसाद के बारे में क्या जानते हैं आप? उसके साथ तो बहुत लंबा हिसाब है। फॉलो मी। एक एक ट्रक को अच्छी तरह से चेक करो, जल्दी चेक करो, अच्छी तरह से चेक करना। क्या बात है इंस्पेक्टर? खबर मिली है कि ट्रकों में भरकर हथियार ले जाए जा रहे हैं। चेकिंग चेक। ये तो रोज का लफड़ा है, करे कौन भरे कौन। जल्दी करो।
चलो जल्दी से कर लीजिए, हुसैन अपने वक्त का पक्का है। क्या बात है इंस्पेक्टर? सर, खबर मिली है कि ट्रकों में भरकर अवैध रूप से हथियार ले जाए जा रहे हैं। वो खबर गलत है, मलाड में ट्रक पकड़ी गई है, जाने दो इन्हें। नहीं सर, ये इन्फॉर्मेशन पक्की है, इन्हीं में से किसी एक ट्रक में हथियार भरे हुए हैं सर। मैंने कहा आप मुझे, मैंने कहा ना यहाँ कोई हथियार नहीं है। सर मुझे चेक तो करने दीजिए। जाइए आप। सर जाइए आप। सलाम सर। जाइए। कुछ तो गड़बड़ है। बोल रहा हूँ भवानी भाई, बागमारे बोल तो है। हाँ क्या बात है बागमारे? तेरा हथियारों से भरा ट्रक चेक पोस्ट से पार करवा दिया मैंने। फिर तो नो प्रॉब्लम, तुम्हारे कमीशन का 5 लाख तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। बोलो। जो ट्रक निकलवाता है उसका 5 लाख, लेकिन जो जिंदगी को दांव पर लगाकर ट्रक को पहुंचाता है उसका कितना? का मतलब? आज पता चला भवानी कि तू जितना ऊपर से काला है उसे कहीं ज्यादा तू अंदर से काला है। गेहूं की गोनियों में बंदूकें, आटे की गोनियों में RDX, मोटर पार्ट्स के डब्बे में हैंड ग्रेनेड्स, मौत की सौदागरी का सबसे बड़ा दलाल निकला तू। इसका मतलब है हमारी जनपत्री तुम देख ही लिए। चलो ये भी अच्छा हुआ हम दोनों के बीच कोई पर्दा नहीं है, मिल बांट कर धंधा करेंगे। गुड लक का 5 लाख तुम भी थामो। ये तो आज का हिसाब हुआ। 6 साल की नौकरी में तूने हुसैन से अनजाने में ना जाने कितने हथियारों की तस्करी करवाई, बारूद के ढेर से ना जाने कितने लोगों की हत्या हुई, औरतें कितनी विधवा हुई, कितने बच्चे अनाथ हुए, उन सब बेगुनाहों की जिंदगी की कीमत कौन चुकाएगा? अबे अंगुली दिया तो पोछा पकड़ता है, एक गोली तेरे कनपटी पर धरेंगे बिना आवाज के ढेर हो जाएगा। 22 रुपए में काम तमाम। मुझे तो 22 भी नहीं खर्चने पड़ेंगे, हुसैन का एक घूसा और तेरी खोपड़ी के 22 टुकड़े। इतनी आसानी से तुझे नहीं मारूंगा, इसी बारूद के ढेर से तेरी चिता चलेगी। हथियारों से भरा हुआ ट्रक मैं पुलिस स्टेशन ले जा रहा हूं। भगवान हमारी बात सुन ध्यान से।